अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंटेलिजेंस ऑफिसर का आज पेपर था पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में, जो सीट अनाउंस हुई थी। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करवाई थी। तो हमारे पास चूँकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट भी आपको पता है, इंटेलिजेंस ऑफिसर के बाद हमारे पास एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर और असिस्टेंट एसएन जीएडी के वाले से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास ही एनरोल्ड हैं, जो हमारे पास टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस टेस्ट की हमने चूँकि टेस्ट प्रिपरेशन करवाई थी मुकम्मल, इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम जो नोट्सों में से पेपर आया है कैसे कैसे पेपर आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 80% प्लस पेपर हमारे नोट्सों में से आया है। मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊँगा। मैंने ये जो पेपर है आपका सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करने की कोशिश की है। कंप्यूटर साइंस मैंने अलहदा कंपाइल किया है, साइंस को अलहदा कंपाइल किया है, इस्लामियत अलहदा कंपाइल किया, पाकिस्तान स्टडी अलहदा कंपाइल किया, मैथमेटिक्स को अलहदा कंपाइल किया है। तो यहाँ पे जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं आपको ये जो आपके जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ये साथ साथ मैं आपके नोट्स भी आपको खोल के दिखाता जाऊँगा। ये जो जिस ग्रुप में मैंने आपको टेस्ट प्रिपरेशन करवाई थी, वही ग्रुप मैंने खोला है। आपको पता है इसी ग्रुप में मैंने ये आपको मैसेज किया था, जिन बच्चों ने पेपर दिया था, कि आपको जो जो भी पेपर में आपको क्वेश्चन याद है वो मुझे सेंड करते थे। तो आप ही लोगों ने सारे मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं, आप ही के फीडबैक पे मैंने ये जो पेपर आपका कंपाइल किया है। और आप ही के इसी ग्रुप में ही जहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन करवाता हूँ, ठीक है जी, जहाँ पर मेरे लेक्चर आते हैं, जहाँ पर आपके नोट्स आते हैं, ठीक है। तो ये यहीं से ही मैं आपको नोट्स आपके खोल के सब्जेक्ट वाइज तो दिखाता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन नोट्स के कौन से पेज में से आया है। अब यहाँ से मैं पहले से ये दावा कर चुका हूँ कि 80 प्लस क्वेश्चन मेरे नोट्सों में से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन बच्चों ने हमारे पास तैयारी की है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, डेली टेस्ट दिया है, वीकली टेस्ट दिए हैं, डेली लेक्चर लिए हैं, उनके मार्क्स इंशाल्लाह 80 प्लस जाएंगे और वो इंशाल्लाह 100% सेलेक्ट भी होंगे। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे नोट्सों में से कहाँ कहाँ से आया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और साथ साथ ये भी आपको दिखाता जाऊँगा कि आपका जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से नोट्सों में से आया है। मैं सारे आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी साथ साथ खोल के दिखाता जाऊँगा। तो चलते हैं जी, आपने जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैंने कंप्यूटर साइंस को कंपाइल किया है, तो कंप्यूटर साइंस में पहला क्वेश्चन था जी, पेज डाउन की इन एमएस वर्ड में जो पेज डाउन की है ये किसके लिए यूज होती है। तो चलते हैं अपने नोट्सों की तरफ जी, ठीक है। मैं आपके पास नोट्सों की फाइल खोल देता हूँ पहले। अब ये मैंने अपने नोट्स खोल दिए हैं आपके कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की जो आपके पास फाइल थी, उसमें मैंने आपको ये कर्सर कीज़ का डिटेल के साथ टॉपिक करवाया था। कर्सर कीज़ को मैंने आपको डिटेल के साथ सेपरेट ये करवाया था। आपको पता है हमने जो भी करना होता है उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी सारे हमने करवाने होते हैं साथ साथ, ठीक है। उसकी जो है ना मैंने आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करवानी होती है। तो ये कर्सर कीज़ में जनाब ये देखें जी, आपके पास थी जी पेज डाउन की की थी आपके पास पेज नंबर 21 पे थी आपके पास पेज डाउन की कर्सर की, ये मैंने आपको करवाई थी। और ये क्वेश्चन हमने जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो स्टेटमेंट थी, इसमें भी मैंने आपको ये बार बार करवाया था, ठीक है जी। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे नोट्सों में या जनाब ये 18 नंबर पे आपका ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब चलते हैं दोबारा अपने पेपर की तरफ जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन के वाले से क्वेश्चन पूछा गया था। नोट्सों की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है जी। मैंने जनाब दोबारा नोट्स खोले हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखें जी, फाइल थी हमारे पास लेक्चर नंबर 1 था, व्हाट इज कंप्यूटर नेम्स वगैरह, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारा हमने इसकी जनरेशन उसके बाद पढ़ी थी, फिर कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, उसके बाद कंप्यूटर ट्रांसलेटर पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जी कंप्यूटर्स के वाले से जो है ना आपके पास कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स वगैरह पढ़े थे। इसमें भी पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंप्यूटर यूनिट्स में भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चले वो पहले मैं करवा दूँ, ठीक है। ये आपके पास एट बिट्स वाला जो ना ये एट बिट्स, ये बाइट जो ना बाइट, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चलिए ये मैं यहीं पे आपको क्लियर करवा दूँ, 8 bits = 1 byte जी, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ताकि दोबारा मुझे नोट्स ना खोलने पड़े। यहाँ पे क्वेश्चन एक आया था, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है जनाब आपके पास है जी ये एक्सेल के वाले से, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करता हूँ, ये जो आपको मैंने ऊपर पढ़ाया है उसका ये हमारे पास एमसीक्यू डेटा था, ठीक है। ये भी आपने तैयार किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा था, यह माइक्रोसॉफ्ट शुरू हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी मैं आपको अभी आपको दोबारा पेपर खोल के ये सारा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के वाले से भी क्वेश्चन आया हुआ था।
उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू हो गया जी, ठीक है। वर्ड की आपके पास सिर्फ कर्सर की उसने पूछी थी, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये वर्ड शुरू हो गया, इसकी शार्ट की शुरू होगी वर्ड की, ठीक है। उसके बाद इसके एमसीक्यू शुरू हो गए वर्ड के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जैसे हमारा एक्सेल शुरू होगा तो एक्सेल के साथ ही आपके पास, ये आपके पास एक्सेल है, ठीक है जी, ये आपके पास एक्सेल था, तो एक्सेल की उन्हें एक्सटेंशन पूछी थी, ये है जी एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल डॉट xlsx, ये आपके पास है जी, ये आपके पास है जी, एक्सटेंशन शुरू हो गई है, ये आपके पास जो एक्सेल की एक्सटेंशन थी ये उसने पूछी हुई थी, ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। ये आपके पास है जी आपके डॉट xls, आपके पास जो ना ये आपके पास 2007 से पहले की थी, 2007 के बाद ये डॉट एस डॉट xls lsx आप जो ना डॉट xlsx, ये आपके पास है एक्सटेंशन थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था, मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ अपने पेपर की तरफ। तो ये जनाब हम पेपर पे आ गए दोबारा, ठीक है, तो ये फाइल एक्सटेंशन शुरू होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और दूसरा जो भी मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाए हैं वो है जी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट इज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस की, ये भी आपको मैंने दिखा दिया क्वेश्चन, 1 byte = 8 bits, ये भी आपको दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड यूज होल्ड टेक्स्ट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का क्वेश्चन होता है, वो भी आपको मैं नोट्स में दिखा देता हूँ। ये जनाब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वाला लेक्चर खोलें, ये आपका पेज नंबर है 41, आपका 41 पेज नंबर था, ये है जी आपके पास 451 नंबर क्वेश्चन था आपका, जो नोट्सों में ऑब्जेक्ट्स डैट होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था आज इंटेलिजेंस फीसर के पेपर में, ठीक है जी। दोबारा पेपर खोलते हैं अब, तो दोबारा मैंने पेपर खोल दिया, तो इसमें आपके पास ये आपके पास मूव ऑन पेज डाउन वाला भी हो गया, xlx भी हो गया आपके पास, उसके बाद प्लेस होल्डर वाला भी हो गया, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया जी विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉन्ट इन MS Word, एमएस वर्ड में कौन सा फॉन्ट जनाब आपके पास अवेलेबल नहीं होता, ये वाला क्वेश्चन आपको नोट्सों में दिखा देता हूँ, चलते हैं नोट्सों की तरफ। ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग का आपके पास जो आपका जो लेक्चर था, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये आपके पास पेज नंबर है जी, पेज नंबर 14 है, 14 नंबर पेज पे, ये आपके पास आ गया जी फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, इसमें करेक्टर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल सारे लिखे हुए थे, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट नेम लिखे हुए थे, फॉन्ट इफेक्ट, ड्रॉप कैप, उसके बाद ओरिएंटेशन, जूम, मार्जिन, और आपके पास ये थी अलाइनमेंट, ये है जी लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड, ये आपके पास था क्वेश्चन, यहाँ पे एक पेज नंबर था आपके पास 15, पेज नंबर 15 यहाँ पे आपके पास बन रहा है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो बचते हैं वो मैं यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे एक दफा करके मैं फिर नोट्स खोलता हूँ। फाउंडर ऑफ गूगल, और उसके बाद एक्सेल शीट, एक्सेल शीट F11 वाला, और फाउंडर ऑफ गूगल, ठीक है जी, और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके पास तीन क्वेश्चन बाकी के, तीनों की तीनों क्वेश्चन आपको मैं इकट्ठे दिखाता हूँ अपने नोट्सों में। F11 वाला जो क्वेश्चन था आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला, आप खोलें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला जो आपके पास पेज है अपने नोट्सों में, पेज नंबर ये बन रहा है आपके पास 24, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल करें, आपके पास फंक्शन कीज आ जाएंगी, ठीक है जी, ये आपके पास थी फंक्शन कीज, ये जी फंक्शन कीज F1 to F12, तो देखें जी आपके पास यदि 11 पे F11, ये F11 के क्रिएट से न्यू चार्ट इन चार्ट शीट बेस्ड ऑन सिलेक्टेड डाटा, तो आप एक्सेल शीट का ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपके पास है 11 पेज पे था, ठीक है। अब चलते हैं जो आपके पास जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका बिल्कुल स्टार्ट पे होगा, ये आपके पास होगा बिल्कुल स्टार्ट पे आपका जो होगा, जो कंपोनेंट्स और कंप्यूटर में आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आया हुआ था, ये है जी आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आ गया, उसके बाद आपके पास जनरेशंस थी, उसके बाद कंप्यूटर हिस्ट्री के बाद आप ये कंप्यूटर लैंग्वेज आ गई, ठीक है, और ये थे आपके पास, यहाँ पे आपके पास होगा जी आपके पास जो 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 ऑपरेटिंग सिस्टम के वाले थे, ठीक है, तो ये आपके पास होगा जी ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये है जी आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया जनाब, ये पढ़ा था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये था जी पेज नंबर 8 पे, 8 नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर डैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड एंड इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ये था जी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन लिखा हुआ था। तो अगर आपने हमारे पास तैयारी की थी अच्छे तरीके से की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके 80 प्लस नंबर आएंगे, और नेक्स्ट भी अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर असिस्टेंट एसएन जेडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके इंशाल्लाह 100% पेपर हम कवर करवाएंगे। उसके बाद आ गया जी एंड पे, सबसे एंड पे आप चलें, ठीक है, जो गूगल वाला क्वेश्चन था वो भी आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे सबसे एंड पे चलें जी, ठीक है जी, तो वहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बने हुए थे, मीन के सारा का सारा जो आपका जो फाइल थी ये सारी अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो सारा आपका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो रहा था, ठीक है। इसमें आपके पास ये जी एक आपके पास ये सोशल मीडिया इंटरनेट के वाले से क्वेश्चन भी एक आया हुआ था, ठीक है, ये मीडिया था हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम,
प्रिंट मीडिया के वाले सभी क्वेश्चन का बना हुआ था। ठीक है जी, ये आपके पास इनवाइबा को साफ, दुनिया न्यूज, डेली टाइम्स, जमींदार वगैरह, कॉमरेड अखबार, कोस्तान, डेली पाकिस्तान, डान वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गूगल वाला बना हुआ था, तो बिल्कुल सिंपल से सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट्सों में से थे। ये मैंने आपको बार बार करवाए थे, मुझे उम्मीद है कि आपने सारे। आपका साइंस का पोर्शन था, साइंस के पोर्शन में आज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोटीन फैक्ट्री, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, बल्ब किसने याद किया था, यूनिट ऑफ लेंथ क्या थी, पेंसिलिन किसने डिस्कवर थी की, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही दफ़ा साइंस के नोट्स खोल के दिखा देता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन नोट्सों में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। सबसे पहले जनाब ये आपका जो प्रोटीन वाला क्वेश्चन था, ये ह्यूमन न्यूट्रिशन का टॉपिक था आपके पास, इसमें से जनाब ये हमने करे थे आप कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन, जो मिनरल्स, ये आपके पास प्रोटीन का पड़ा हुआ था, ये था जी। यहाँ से आपके पास राइबोसोम्स का, बिल्कुल सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपका फ्लावर वाला जो पेपर था, जो क्वेश्चन था, ये फ्लावर वाला टॉपिक आपके पास मौजूद था पेपर में, आपके नोट्सों में फ्लावर का। उसने मेल और फीमेल पार्ट पूछा हुआ था, ये मेल पार्ट आपके पास स्टैमन और फीमेल पार्ट आपके पास जो ना कार्पल, और ये स्टैमन के आपके से थे एंथर और फिलामेंट, उसने एंथर का ऑप्शन दिया हुआ था, ये आपके पास मौजूद था। ठीक है जी, ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद लेंथ का यूनिट पूछा हुआ था, ये देखें जी बेसिक यूनिट्स फिजिक्स का, जब आप स्टूडेंट शुरू करते हैं ना फिजिक्स में, आपके पास फिजिकल साइंस जब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 14 से, ये आपके पास पेज नंबर 75 था, इसमें आपके पास ये थोड़ा लेंथ ऑफ यूनिट यूनिट पूछा लेंथ का, तो ये आपके पास फर्स्ट पे ही था, लेंथ का यूनिट मीटर, ये आपके पास ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद इस्लामियात की बात करते हैं जी, इस्लामियात में लिखा हुआ था मुस्लिम लीडर जंगे कादसिया, मुस्लिम लीडर कौन था, मुसलमानों पर नींद किस जंग में तारी की गई थी, फतह मक्का में कितने कुफार मारे गए थे, तूर का वाक़ा किस उम्मत के साथ हुआ था, फर्स्ट इस्लामिक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, तवाफ़े काबा क्या है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हज परफॉर्म किया था, मुसारफ ज़कात कितने थे, जना की सज़ा कितनी थी, और ये कब फ़र्ज हुई थी जना की सज़ा, और सहाबे सप्तमीन के हफ्ते वाले दिन का वाक़ा किस उम्मत के साथ है, ये इसके सामने आंसर लिखे हुए हैं। अब मैं आपको नोट्सों में दिखाता हूँ ये सारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर मौजूद थे। सबसे पहले जनाब कोहे तूर वाला वाक़या देख लें, ये आपके पास तमाम अंबिया की लिस्ट मौजूद थी, ठीक है। इन अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को काफ़ी उसने टच किया हुआ है, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सारा कंप्लीट लिखा हुआ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, ये मूसा रोड आपस में दोनों भाई थे, ये आपके पास कोहे तूर मौजूद था, ये तूर वाला वाक़या यहाँ पर मौजूद था, और यहीं पर आपका जो ना आपके पास जो है सप्त वाला वाक़या, जो लोग मछलियाँ पकड़ते थे हफ्ते वाले दिन, ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन था जी किस जो ना हजूर पाक सल्लम ने जनाब का हज अदा किया था, और ये सारे इनका शजरा लिखा हुआ था, मैं आपको बता दूं कि जो जहाँ पे जो लिखा हुआ जी किस जंग में मुसलमानों पर नींद तारी की गई थी, ठीक है जी, इस जंग में मुसलमानों पर नींद तारी की गई थी, ये मैं आपको दिखा दूँ जनाब, ये जंग बदर का वाक़ है, ठीक है, जंग बदर के आप जब आप खोलेंगे तो आपको सारे का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। हजूर पाक सल्लम की चल रही थी, तो ये आप सल्लम का 10 हिजरी में यहीं पर आपने जनाब ये पहला आखिरी हज किया था, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, 10 हिजरी में आपने हज किया था। उसके बाद ये आपके पास ये खिलाफत राशदा शुरू होगी, अब यहाँ पे खिलाफत राशदा में आपको जंगे कादसिया मिल जाएगी, यहीं पे आपके पास जुर्म फरूक और जब पढ़ेंगे ना तो यहीं पे ये सारी की सारी ये देखें, ये आपके पास जंगे कादसिया था कमांडर साद बिन अबी वक़ास, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका हो गया जी। उसके बाद आपने पढ़ा है जी, ये आपके पास जो सहाबा इकराम के वाले से कोई क्वेश्चन इतने नहीं आए हुए थे वो आपके पास है जी। अब हमने देखना है वो किस जंग में मुसलमानों पर नींद तारी की गई थी, और जनाब जो आपके पास जरा फतह मक्का के वक्त कितने कुफार मारे गए थे, ठीक है जी, और मुसारफ ज़कात ये भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और हज में जो है ना जो आपके पास तवाफ़े काबा है वो क्या है, उसमें लिखा हुआ था कि फ़र्ज है, सुन्नत है कि वाजिब है, तो ये आपके पास ये हज का आ गया जी। यहाँ पर जैसे जैसे जो जो भी मेरे सामने ये टॉपिक आ रहा है वो उसी का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो आपके पास ये हज का पूरा टॉपिक आपके पास मौजूद था, ठीक है जी। तो आपके पास हज ना हज का जनाब ये देखें जी, खाना काबा का हज करना हर साल फ़र्ज है, और उसमें ये जो हज की आपके पास जो ना यहाँ पे इसके जो फ्राइज़ थे हज के, ये देखें जी, ये हज के तीन फ्राइज़ हैं, इसमें एहराम बांधना, वकूफ़ी अरफात और तवाफ़े काबा, तो तवाफ़े काबा उसने पूछा हुआ था, ठीक है जी। ये आपके पास ये भी क्लियर आपका क्वेश्चन पेपरों में हमारे नोट्सों में अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जी। उसके बाद आपके पास जी ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, जो आपने गजवात देखने थे कि किस गजवा में जनाब नींद तारी की गई थी, ठीक है जी, वो मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, ताकि आप थोड़े से ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना पेपर जो ना हमारे नोट्सों में से ही आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी गजवा बदर, ये गजवा बदर 2 हिजरी का वाकया था, ठीक है जी। गजवा बदर 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी को हुआ, बदर का मुकाम मदीना से 94 किलोमीटर दूर है, गजवा मुसलमान की तादाद इतनी थी, मुहाजरीन ये थे,
ठीक है जी, काफरों के साथ ये 70 कुफार को कैद किया गया, 10 उनको रिहाई किया गया था। अभी यहीं पे आपको नज़र आ जाता है जनाब, आपके पास जो थी ना, ये आपके पास जो ना जिसमें मुसलमानों पर नीम तारीखी की थी, ये देखें ये लाइन थी, इसी जंग में मुसलमानों पर नीम तारीखी गई थी। ये देखें, ये गजवा बदर के वाले टॉपिक में आपके पास नोट्सों में ये क्वेश्चन आपका मौजूद था, ठीक है। ये भी आपने एक तरतीब के साथ आपने पढ़े हुए ना नोट सारे, तो ये गजवा बदर के बाद फिर आपके पास गजवा होता जाएगी, फिर आपके पास गजवा एजाब आ जाएगी, 3 हिजरी 4 हिजरी। तो यहाँ पे आपके पास जब फतह मक्का का आएगा ना टॉपिक, उसमें फतह मक्का में आपको नजर आ जाएगा। ये देखें जी, ये आपके पास है जी, फतह मक्का आपका हुआ है जी 8 हिजरी को, तो 8 हिजरी में ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। सरिया मोता गजवा हुनैन फतह मक्का 8 हिजरी के अहम वाक़े आते हैं। तो अब जो गजवा आपका जो फतह मक्का है, फतह मक्का में जनाब की जो ये देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये है जी, फतह मक्का में 13 कुफार मारे गए, ये क्वेश्चन है, ये है जी आपके पास, ठीक है जी। तो सारे के सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह आपके नोट्सों में से मौजूद थे, ठीक है जी। अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी किया तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह ताला पेपर आपका 100% क्लियर है। आप देखते हैं जी आपका नेक्स्ट कौन सा आपके पास जो सब्जेक्ट है, उसके बाद बात करते हैं जी पाकिस्तान स्टडी की। मुताला पाकिस्तान में 14 पॉइंट्स कायदे ने 1929 में आपको बार बार करवाए थे। ड्यूरल लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, लार्जेस्ट लेक्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लेक्स के वाले से आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया था। उसके बाद गॉडविन आस्टिन आपको पता है K2 का दूसरा नाम था, ये कराक्रम में है, ये बड़ी डिटेल के साथ आपको जियोग्राफी कराई थी। निशात ग्रुप जो है ना, ये मियां मंशा के जो है चेयरमैन है, नवाब मुस्लिम मुल्क ने कहा, ये मुसलमान जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस का टॉपिक आपको बड़ी डिटेल से करवाया था। कुरान ट्रांसलेशन इन पर्शिया, ये शाह वलीउल्लाह जो मुगल डायनेस्टी में ये आपको करवाया था। वायसराय इन बंगाल पार्टीशन भी करवाया था। KP के एरिया आपको बड़ी डिटेल के साथ चारों प्रोविंसेस के एरियाज भी करवाए थे। वखान कॉरिडोर, ये बड़ा आपको तब भी मैंने जब आपको ये पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको 2-4 बल्कि 10 दफ़ा कहा था कि वखान कॉरिडोर को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो अफगानिस्तान का इलाका है, ये इसको वखान कॉरिडोर स्ट्रिप भी कहते हैं। खैबर पास भी आपको करवाया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलाता है लैंडलॉर्ड कंट्री। जब मैंने आपको जो ना बड़े आजम एशिया पढ़ाया था ना, उसमें लैंडलॉर्ड कंट्री जो मैंने लैद आपको करके दिखाए थे, तो आपको मैंने तब भी बताया था कि अफगानिस्तान लैंडलॉर्ड कंट्री जो है हमारा, जो आप साउथ एशिया के, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। बेरूत जो है ना कैपिटल ऑफ लेबनान का कैपिटल, वो सारे आपको करवाए थे। नेहरू पैक्ट, बाले जिब्रील का भी पढ़ाई थी, तो बाले जिब्रील जो आपको जब लामा इकबाल रहमतुल्लाह का टॉपिक पढ़ाया था, वो सारे के सारे इसमें उसकी सारी बुक्स मैंने आपको लिख के दी थी। सर सैयद अहमद खान का रिसाला तहजीबुल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान का पूरा टॉपिक आपको दिया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उसके बाद जो है ना लामा इकबाल और जो ना सर सैयद अहमद खान, ये तीनों के टॉपिक्स आपको मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाए थे। ये वहाँ से सारा किस तरह आपका क्वेश्चन आ गए थे। अब हम मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल से आसान से क्वेश्चन थे सारे के सारे। ये आपके पास कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन थे, कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे, कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल से आसान आसान से क्वेश्चन थे। ये मैंने आपको ये करने का तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। अगर आपने वही तरीके के साथ ये क्वेश्चन किए हुए तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको जो मैंने टॉपिक नहीं करवाया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, अली की सैलरी 10% मोर देन साजिद है, हो मैन साजिद सैलरी लेस देन अली, मीन का जो अली की सैलरी है ना वो साजिद से 10% ज़्यादा है। तो हम कहते हैं साजिद की सैलरी, मैंने आपको बताया था जब भी आपने परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ फर्ज करना पड़े तो आपने 100 को फर्ज करना है। तो अली की आप ना अली की सैलरी जो है ना साजिद से 10% ज़्यादा है। हम कहते हैं सैलरी, साजिद की सैलरी कितनी है जी, 100 रुपया है। साजिद की सैलरी कितनी है, 100 रुपया है। तो अली की सैलरी कितनी हो जाएगी, 110 रुपये हो जाएगी। 10% बढ़ा रहे हैं ना, 10% ज़्यादा है। अब हमने देखना है कि साजिद की सैलरी अली से कम कितनी है। तो इसका मतलब है अली की सैलरी आपके पास, साजिद की सैलरी 100 है, अली की सैलरी 110 है। हमने देखना है कि जो 100 जो है ना 110 से कितने परसेंट कम है। हमने ये क्वेश्चन था 100 is x% of 110, ठीक है जी। हमने ये देखना था ये जो 100 है ये 110 का कितने परसेंट बनता है। तो जो फ़र्क करना था वो आपने कर देना था। ये आपके पास क्वेश्चन था 100 is equal to x/100, ज़रब आपके पास 110 आ जाना था, ठीक है जी। तो आपके पास ये क्या क्वेश्चन बन गया, ये एक सिवर के साथ कट गया, तो ये 10 उधर चला जाएगा, ठीक है जी, ऊपर चला जाएगा। आपके पास 100 ज़रब आपके पास 100 आ जाएगा, नीचे आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह से भी इसको कर सकते थे, या एक और भी तरीका ये था कि आपने क्या करना था, आप फ़र्क पहले ही निकाल लें। फ़र्क इसका आप पहले ही निकाल लें। हमने साजिद की सैलरी 100 रुपया लिखी, अली की 110 लिख रही, इसमें फ़र्क कितने का आ रहा है, 10 का। हमने निकालना था 10 is x% of 110, 110 का जो 10 है कितने परसेंट बनता है, ठीक है जी। जो आपके पास 10 बराबर है x/100 ऑफ 110,
तो ये आपने निकाल लेना था, ठीक है। तो ये 9% आना था, 9%, 9%। तो ये बच्चे बाज़ औक़ात यही कर रहे होंगे कि जनाब उसकी अगर 10% ज़्यादा है तो कम भी 10% ही होगी। तो ये अब यहाँ यही इसने ट्रिक आपसे पूछा हुआ था कि 9% इसका आंसर आना था, ठीक है जी। फिर हुआ था जी 330 को 31.2 पे डिवाइड करके था। तो ये मैंने आपको जो आपके डेसिमल की जो ना जमा तफरीक ज़रा तकसीम बड़ी तरीके से करवाई थी, मुझे उम्मीद है कि आपने ये भी कर ली होगी। उसके बाद ये आपके पास ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। ये फिर आ गया था ये आपके पास ना लेंथ एंड ब्रिथ जो है ना स्क्वायर की आप 30% और 40% इंक्रीज कर दें तो इसका एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये भी आपने 10-10 फर्ज करना था, 10 पहले थी और 10-10 आपने फर्ज करके फिर इसको 30% बढ़ाएं तो 13 होगी, और विड्थ आपने 20% बढ़ाने से 12 होगी, तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता ना उतने परसेंट आपका आंसर आ जाना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें जो भी हमने टॉपिक नहीं किया हो। तो मैथमेटिक्स कंप्लीट आया जी, कंप्लीट आया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास इस्लामियात कंप्लीट आई है, मुताला पाकिस्तान कंप्लीट आई है, ठीक है जी। साइंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और कंप्यूटर साइंस तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी आई है। और आपके पास इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश के आपके पास वो तकरीबन 4 क्वेश्चन जो है ना बाहर से आए हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट्सों में मौजूद थे। जीके एंड करंट अफेयर पे आपको पता हम जोर पहले ही नहीं लगाते, 15 नंबर का जीके है, उसमें से आपके पास 6-7 क्वेश्चन आपके आ रहे थे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके अनसीन थे। तो हमने पहले किया हुआ कि जीके को पे हमने जोर इतना लगाना ही नहीं है। तो यूँ इंशाल्लाह ताला 80 की रेंज में आप पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।